हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हितेश कुमार। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं दुर्गा रेलवे स्टेशन में। तो चलिए, आज की वीडियो में हम घूमते हैं दुर्गा रेलवे स्टेशन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है दुर्गा रेलवे स्टेशन और पूरा एरिया मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों, इधर का जो एरिया है पूरा पार्किंग एरिया है, पूरा देख सकते हो आप। इधर बाइक वगैरह और जो ऑटो वगैरह पूरा रखे हुए हैं। तो यहाँ ये पीछे आप देख सकते हो, इधर है ये दुर्गा रेलवे स्टेशन। तो यहीं से हम एंट्री करेंगे अंदर जाने के लिए। और हमें यहाँ प्लेटफॉर्म में जाने के लिए पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए टिकट लेते हैं। तो इधर पूरा टिकट काउंटर है दोस्तों, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर है पूछताछ केंद्र, यहाँ पर आप जाकर आप अपने रेल से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं टिकट, यहाँ मशीन से मिलेगा। ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ से हम प्लेटफॉर्म के लिए टिकट लेते हैं। तो ये हमने टिकट लिया था प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म के लिए टिकट है और 10 रुपये इसका चार्ज है। तो हमने ले भी लिया और प्लेटफॉर्म के अंदर हम पहुँच भी चुके हैं। तो दोस्तों, मैं दुर्गा रेलवे स्टेशन के अंदर में हूँ और एक प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये आप देख पा रहे हो। और इधर से फिर अलग 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 जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए यहाँ से हम चलेंगे। तो दोस्तों, अभी प्लेटफॉर्म नंबर मैं 5 में हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए। तो आप पीछे देख सकते हो, तो उस प्लेटफॉर्म में मुझे जाना है। तो इस ब्रिज के ज़रिए मैं जाऊंगा। तो एक ब्रिज है और हमें उस ब्रिज में जाना है जो अगला प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर लिफ्ट वगैरह का भी सुविधा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से रास्ता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जाने के लिए, ये वाला रास्ता जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पीछे लिफ्ट है, तो हम लिफ्ट में भी जाने का कोशिश करते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, चलते हैं फिर लिफ्ट में। तो ये है लिफ्ट और इसका ये यहाँ पर बटन दिया हुआ है, क्लिक करते हैं। तो ये अपना लिफ्ट आ चुका है, अब अंदर चलते हैं। ओके, देखिए ओपन हो चुका है, चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर बटन दिया हुआ है, क्लिक करते हैं। तो ये लिफ्ट है और दोस्तों, लिफ्ट चालू हो गया है और मैं जा रहा हूँ अभी नीचे। ये देखिए, तो आ चुका हूँ नीचे, अब ओपन हो गया जस्ट। तो ये आप देख सकते हो, ये है दुर्ग जंक्शन। तो अभी दुर्गा जंक्शन में हूँ मैं। दोस्तों, हमने लिफ्ट का मजा लिया, आप पीछे है स्वचालित सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी। तो चलिए आगे हैं और इसमें भी चलते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं हम। ये देखिए, इधर वापस आने के लिए हैं और इधर नीचे जाने के लिए। तो हमें अभी जाना है नीचे।
तो चलिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इस सीढ़ी से मैं आ चुका हूँ और नीचे, और ये देखिए लोग कैसे ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह का काम करता है यह स्वचालित सीढ़ी। तो दोस्तों यह रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय है, जहाँ पर यात्री अपने जो रेल का वो इंतजार कर सकते हैं। वाईफाई सुविधा है, तो अभी मैंने अपने मोबाइल में कनेक्ट किया है और नेट चालू भी हो गया है। तो यहाँ पर वाईफाई सुविधा है, देखते हैं कितना फास्ट है। तो अगर आप आते हो तो बोर नहीं होंगे, नेट का आप भरपूर यूज कर पाओगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ हमने टिकट लिया था यह सिर्फ 2 घंटे के लिए मान्य होता है, उसके बाद इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैं ध्यान नहीं दिया था। तो चलिए जस्ट निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलने, यहाँ से बाहर, यहाँ का एग्जिट है। तो दोस्तों मैं दुर्गा रेलवे स्टेशन से निकलकर आ गया हूँ और यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।